ये तस्वीरें मुंबई की बोरीवली की है, जहां पर महाराष्ट्र की संस्कृति साफ देखी जा रही है। दरअसल यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार विधायिका मनीषा चौधरी के नेतृत्व में किया गया है। इस आयोजन का नाम दिया गया है श्रावणी महोत्सव। इस श्रावणी महोत्सव के दौरान भारतीय संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति को एक मंच पर बिखेरा जा रहा है। यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की यह तस्वीर किस तरह से बोरीवली के एक मंच पर दिखाई दे रही है। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि मनीषा चौधरी का यह प्रयास है कि एक मंच पर भारत की संस्कृति को कैसे लाया जाए। जाहिर तौर पर श्रावण महोत्सव के दौरान यह मंच सजाया गया और जो कलाकार आपके सामने कला पेश कर रहे हैं, यह कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि मुंबई के बोरीवली और दहिसर विधानसभा के क्षेत्र में रहने वाली तमाम महिलाएं हैं। कभी देवी का रूप तो कभी भारतीय संस्कृति के नाम पर तो कभी
के नेतृत्व में हमारी महिला वहाँ की नेतृत्व है रुशाली बागुले, इन्होंने ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया। कम से कम 4-4.5 घंटे का ये कार्यक्रम दहिसर के कार्यकर्ता और मतदाताओं को साथ में लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रावण उत्सव उसका नाम रखा है। मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे ये जो जूने हमारे पारंपरिक जो नृत्य है, गीत है, ये इसमें कहीं ना कहीं कमीपना आता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे श्रावण जैसे सांस्कृतिक महीने में, धार्मिक महीने में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करके सारे लोगों को जोड़ना यह समय की आवश्यकता थी, ऐसा मैं मानता हूँ। और मनीषा भाई ने सही समय पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी कलाकारों ने, जो प्रोफेशनल नहीं है उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसे सभी कलाकारों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और उन्हें शुभेच्छा भी देता हूँ। गत 2 साल में कोविड के महामारी में हम नहीं कर पाए थे, लेकिन 2021 में हमने चैत्र महोत्सव किया और आज श्रावण महोत्सव चालू किया। इस श्रावण महोत्सव में हमारे दहिसर के ये कोई कमर्शियल नहीं है, यहाँ ही हमारे ही लोग, हमारे दहिसर में रहने वाले जो आर्टिस्ट है, खुद अपने को रंगमंच नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने हमारी रुशाली ताई जो हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, हर साल वो आयोजन करती है और सभी समाज के लोगों को साथ मिला के उत्तराखंड का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, आसाम के लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, हमारे कोंकण नगरी का, कोंकण का गणपति उत्सव बहुत महत्वपूर्ण रहता है, यहाँ से लोग गांव जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं वो हमारी गणपति का आगमन कैसे करते हैं, गणपति आने के बाद उनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं, वो वैदिक पद्धति से पूजा कैसी होती है, सब हमारे महिलाओं ने बताया कि खेती होने के बाद, हमारी रोपणी होने के बाद हम कैसे हमारा शिमगा आवनी का उत्सव कैसे हम मना सकते हैं, ये हमारे महिलाओं ने बताया। और मुझे कहने को बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे दहिसर के हमारी कोमल मैडम है और उनका ग्रुप ने ग्रीनीज बुक में अभी हमारा रिकॉर्ड हो गया, इसे 3,000 महिलाओं का सबसे बड़ा लेजिम का पथक है दहिसर में हो रहा है, उनका भी परफॉर्मेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमने परफॉर्मेंस करके बताया। ऐसे ही कोविड के महामारी में स्कूल और बच्चे और पालक, इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उसके ऊपर भी एक एकांकिका हुई और इतना अच्छा परफॉर्मेंस और देखने के लिए प्रेक्षकों ने भी हमें साथ दी है, हमारे विधानसभा के लोग आए हैं, मेरे ही विधानसभा के यहाँ सभी ले यहाँ रंगमंच पे ऊपर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ।